कोरोना से मौत के आंकड़े पर डब्ल्यूएचओ का चौंकाने वाला दावा, 47 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। भारत सरकार ने दावा किया खारिज, विपक्ष का सवाल, क्या मोदी सरकार ने सच छुपाया? बनारस का मंदिर मस्जिद विवाद सुलझाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम, कोर्ट के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी मस्जिद में होगा सर्वे। पश्चिम बंगाल दौरे पर गरजे अमित शाह, कहा जरूर लागू होगा सीए। ममता का सवाल, संसद में बिल क्यों नहीं ला रही सरकार? आज शाह के कार्यक्रम में ममता को न्योता नहीं। जोधपुर में हालात काबू में, अब तक 221 लोग गिरफ्तार, आज कर्फ्यू में मिलेगी 2 घंटे की ढील। एक और शहर भीलवाड़ा में 2 समुदायों में झड़प। मैं हूं अर्पिता आर्य। लंबा इंतजार खत्म हो गया, 2 साल के कोरोना काल के बाद आज पहली बार केदारनाथ धाम के पट खुले। बाबा के दर्शन के लिए इंतजार खत्म हो गया। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरी कुंड से केदारनाथ धाम पहुंच गई। इसके बाद आज सुबह धाम के कपाट खुल गए, हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक के 21 किलोमीटर के पैदल रास्ते पर भारी तादाद में श्रद्धालु है। सुबह 6:25 पर बाबा के कपाट खोले गए हैं, लोग अब दर्शन के लिए वहां पहुंचे। कल शाम को ही बाबा केदार की डोली पहुंची थी, जिसके बाद एक अलग तरह का उत्साह, एक रौनक अब केदार घाटी में देखी जा सकती है। तो केदारनाथ धाम में आप देखिए किस तरीके से कपाट खोलने के बाद भक्तों की लाइन लगी हुई है बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आपको बता दें, 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी आई है जब पट खुले हैं और लोग वहां पहुंचकर दर्शन कर लेना चाहते हैं।